Greetings students, now today we are going to do workbook number 7 and page number 4. Page number 4 में students, आज हम करेंगे dictation sound of O and U की. Last topic में जो है हमने किया था dictation sound of A, E, I की थी, तो आज हम O और U करेंगे, okay? Now let's start. First suppose हमें word write करना है student, hot. क्या write करना है हमें? Hot. अब hot में देखिए beginning sound क्या आ रहा है? ह, तो हम यहाँ राइट करेंगे ह. नेक्स्ट क्या आ रहा है? ओ, तो हम यहाँ राइट करेंगे ओ. होट, ट. एंडिंग साउंड क्या आ रहा है होट में? ट. तो एंड में क्या राइट करेंगे हम? ट. ओके, होट. एच ओ टी, होट. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज नोट. अब नोट में देखिए क्या आ रहा है बिगनिंग साउंड? न. तो हम यहाँ राइट करेंगे न O T not, okay? N O T not, okay? Next हम O D odd family word से लेंगे code word. क्या word लेंगे? Code. अब code में देखिए क्या आ रहा है beginning sound? K. तो हम यहाँ write करेंगे K O ending sound code D. तो end में हम क्या write करेंगे? D code. C O D कोड. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज रोड. रोड में देखिए बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? र. तो हम यहाँ राइट करेंगे र ओ ड रोड. आर ओ डी रोड. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज लॉग. अब लॉग में बिगनिंग साउंड ल है, तो हम यहाँ राइट करेंगे ल ओ ग लॉग. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज होग. होग में बिगनिंग साउंड ह, तो हम यहाँ राइट करेंगे ह. नेक्स्ट ओ ग, एंडिंग साउंड ग, तो एंड में ग. होग. एच ओ जी होग. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज बॉक्स. अब बॉक्स में बिगनिंग साउंड देखिए क्या आ रहा है? ब. तो हम यहाँ राइट करेंगे ब ओक्स बॉक्स. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज बॉय. बॉय में बिगनिंग साउंड ब, तो हम यहाँ राइट करेंगे ब ओ बॉय. बी ओ वाई बॉय. ये थे हमारे साउंड ऑफ ओ के वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे साउंड ऑफ यू. साउंड ऑफ यू, एंड फर्स्ट वर्ड हम राइट करेंगे अप. क्या हमें राइट करना है? अप. तो बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? अ. तो हम यहाँ राइट करेंगे अ प. अप प आ रहा है एंडिंग साउंड, तो हम यहाँ राइट करेंगे प. अप, यू पी अप. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज कप. अब कप में देखिए क्या आ रहा है बिगनिंग साउंड? सी. तो हम यहाँ राइट करेंगे क अ प कप. सी यू पी कप. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे अन अनफैमिली वर्ड्स में से वर्ड्स. तो फर्स्ट वर्ड है उसमें सन. क्या है? सन. सन में देखिए बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? स. तो हम यहाँ राइट करेंगे स अ एंडिंग साउंड न, तो एंड में हम राइट करेंगे न सन. एस यू एन सन. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज बन. बन में बिगनिंग साउंड ब, तो हम यहाँ राइट करेंगे ब अ न बन. बी यू एन बन. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मग. अब मग में देखिए बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? म. तो हम यहाँ राइट करेंगे म अ ग मग. एम यू जी मग. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज सम. स अ म सम. एस यू एम सम. एंड द लास्ट वर्ड इज गन. ग अ न गन. जी यू एन गन. ओके, इस तरह से आपको साउंड ऑफ ओ एंड यू के वर्ड जो है आपको राइट करने हैं. नाउ पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 में स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा के क्या करेंगे आज हम? शब्द. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड हम करेंगे छोटे ऊ की मात्रा में धनुष. क्या राइट करना है हमें? धनुष. तो धनुष में देखिए पहले, सबसे पहले क्या आ रहा है? ध. तो हम यहाँ राइट करेंगे
धनु। न पे ऊ का साउंड आ रहा है ना, नू छोटा साउंड है तो छोटे ऊ की मात्रा, ये है हमारे छोटे ऊ की मात्रा। ओके श्य धनु, श धनुष। ओके नेक्स्ट हम राइट करेंगे कछुआ। क्या राइट करना है हमें, कछुआ। तो पहले हम क्या राइट करेंगे, क छू, छू बनाना है हमें। तो पहले हम बनाएंगे छ, छ पे हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये छू। आ, तो यहां हम बनाएंगे आ। ओके क छू आ कछुआ। ओके नेक्स्ट हम राइट करेंगे साबुन। तो पहले हम बनाएंगे सा, आ का साउंड आ रहा है तो स के साथ आ की मात्रा, साबू। ब, ब के साथ छोटे ऊ की मात्रा, बू न, क्या बन गया साबू न साबुन। ओके नेक्स्ट हम राइट करेंगे कुटिया। तो पहले कुटिया में क्या बोला मैम ने, कु, तो हम बनाएंगे पहले क, क के साथ हम ये ऊ की मात्रा लगाएंगे छोटे ऊ की, कु टी, टी ई का साउंड आ रहा है छोटी ई का, तो हम ये व्यंजन के कहाँ से लगाएंगे आगे से, ये हमने लगा दी छोटी की मात्रा टी, या य के साथ आ का साउंड आ रहा है तो आ की मात्रा, कु टी या कुटिया। ओके नेक्स्ट हम राइट करेंगे फुलवारी। तो पहले हम बनाएंगे फू, फू ल वा, व के साथ आ का साउंड तो आ की मात्रा, री ई का साउंड तो ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से, फुलवारी फुलवारी। ओके ये थे हमारे छोटे ऊ की मात्रा के कुछ शब्द, बट आपको बुक में और भी शब्द दिए गए हैं तो आपको और भी उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। ओके तो पहले हम फर्स्ट वर्ड करेंगे बड़े ऊ की मात्रा में, फूल। क्या करेंगे, फूल। तो पहले हम बनाएंगे फू, ये है हमारे बड़े ऊ की मात्रा, इसका साउंड जो है बड़ा होता है ऊ इस तरह से। तो पहले हमें बनाना है फूल में फू, हमने राइट किया व्यंजन फ, फ के साथ हमने ये ऊ की मात्रा लगा दी, कौन से ऊ की, बड़े ऊ की। ओके फू ल, सिंगल ल, फूल, फू ल फूल। ओके नेक्स्ट हमें राइट करना है फूल के बाद हम राइट करेंगे पूजा। तो पहले हम बनाएंगे पू जा, ज के साथ आ का साउंड आ रहा है तो आ की मात्रा, पू जा पूजा। ओके नेक्स्ट हम राइट करेंगे कबूतर। क्या हमें राइट करना है, कबूतर। तो पहले हम बनाएंगे क बू, ब के साथ ऊ का साउंड तो ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की। ओके त, सिंगल त, र, र के साथ भी कोई साउंड नहीं आ रहा तो सिंगल र, कबूतर कबूतर। ओके नेक्स्ट हम राइट करेंगे तरबूज। क्या राइट करेंगे, तरबूज। तो हम बनाएंगे तरबूज, फलों के नाम में भी आता है ना ये, त र बू, ऊ का साउंड तो ऊ की मात्रा, बू ज तर बूज। ओके नेक्स्ट हम राइट करेंगे लास्ट सूरज। तो हम पहले बनाएंगे सू, स, स के साथ ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, सू र ज, सू र ज सूरज। तो ये थे हमारे बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। इस तरह से आपको छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के शब्द की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके नाउ पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम करेंगे मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स। यहाँ पर जो है आपको कुछ क्या दी गई है, पिक्चर्स दी गई हैं और आपको वर्ड्स भी दिए गए हैं। आपको क्या करना है, पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है और आफ्टर देन आपको उस पिक्चर का जो वर्ड है उससे आपको क्या करना है, मैच करना है। ओके नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या पिक्चर है, व्हाट इज दिस, यस बैट, दिस इज बैट। अब बैट बी ए टी बैट वर्ड होता है तो अब सर्च कीजिए बैट जो है वो कहाँ पर राइट किया गया है। दिस इज टेन, रैट, होट, यस बैट, बी ए टी बैट,
ये क्या है? बैट वर्ड। अब हमें क्या करना है, इसे बैट पिक्चर को बैट वर्ड से इस तरह से क्या करना है, मैच करना है। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज टेन, दिस इज टेन। नंबर नेम में भी आता है ना ये टेन, टी ई एन टेन। फर्स्ट वर्ड ये है हमारा टी ई एन टेन, तो इसको हम टेन के साथ क्या कर देंगे, मैच। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज निब, दिस इज निब। निब की पिक्चर है ये, तो सर्च कीजिए निब वर्ड कहाँ है, रैट होट बैट लॉग सन लिट निब, दिस इज निब, वर्ड निब। अब आपको निब पिक्चर को निब वर्ड से क्या कर देना है।